तो आगामी त्रण दिवस सामान्य वरसाद की संभावना। दक्षिण गुजरात में भारी वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। डांग, वलसाड, तापी, सूरत सहित अलग अलग जगह पर वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। तो सौराष्ट्र में सामान्य वरसाद पड़ी शके छे। 25-26 जूने वरसाद नुं जोर वधशे। तो आगामी त्रण दिवस सामान्य वरसाद की आगाही हवामान विभागे करी छे। दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। डांग, वलसाड, तापी और सूरत में पण भारे वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। ज्यारे 25-26 जूने वरसाद नुं जोर वधशे। अगले 5 दिन में गुजरात में बारिश रहेगा, छुटपुट बारिश रहेगा अगले 3 दिन के लिए, और चौथा दिन लाइक 25th, 25th, 26th को बारिश बढ़ सकता है गुजरात रीजन में, सौराष्ट्र कच्छ में भी, और कहीं कहीं जगह में आइसोलेटेड प्लेसेस में हैवी रेन भी होने का संभावना है। अहमदाबाद में भी लाइट टू मॉडरेट रेन मिलेगा, लेकिन जो अभी अगले 3 दिन में जो रेन रहेगा वो बहुत कम रेन रहेगा, और उसमें हर जगह में बारिश नहीं होगा, कहीं एक जगह में कुछ जगहों में बारिश रहेगा, और डे 3 डे 4 को लाइट टू डे 4 डे 5 यानी 25-26 तारीख तक लाइट टू मॉडरेट रेन होने का संभावना है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में कौन कौन सी जगह पे रेन रहेगा और हैवी रेन कौन सी जगह? सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात में आज भी हमने हेवी रेन वार्निंग दिया है। डांग, वलसाड, एकदम एक्सट्रीम साउथ गुजरात में हेवी रेन हो सकता है आइसोलेटेड प्लेसेस में, और डे 4 डे 5 को भी हेवी रेन होने का संभावना है, जैसे डांग, तापी, सूरत, नवसारी, वलसाड, दामन, दादरा नगर है। सौराष्ट्र में अभी हेवी रेन होने का संभावना नहीं है, हो सकता है डे 4 डे 5 तक कहीं का जगह में हो जाए। तो संवाददाता विभू पटेल फोन लाइन थे हमारी साथे जोड़ाया छे। जी विभू, हवामान विभागे आगाही करी छे के आगामी 3 दिवस सामान्य वरसाद रहेशे, क्या क्या पंथक में वरसाद रहेवानी संभावना छे? પૃથ્વ અત્યારે ગુજરાતમાં તો વાદળી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, વરસાદી માહોલ છે। ખાસ કરીને ગુજરાતમાં જયારે વરસાદનું આગમન થયા બાદ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં સતત વરસાદ છે જોવા મળી રહ્યો છે। અન્ય વિસ્તારો છે કે ત્યાં વાવણી લાયક વરસાદ હજુ સુધી થયો નથી। હવામાન વિભાગનું પણ અનુમાન છે કે જે 15% વરસાદ અત્યાર સુધીમાં થવો જોઈએ તેના કરતા 50% ઓછો વરસાદ નોંધાઈ રહ્યો છે, એટલે કે 1.25 ઇંચ જેટલો જ વરસાદ છે તે સરેરાશ ગુજરાતમાં નોંધાયો છે। કચ્છના વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં વરસાદ હજુ પણ નથી થયો, સાથે સાથે ઉત્તર ગુજરાતના પણ અનેક વિસ્તારો એવા છે કે ત્યાં વરસાદની હજુ પણ રાહ જોવાઈ રહી છે। ત્યારે હવામાન વિભાગનું અનુમાન છે કે 25-26 ફરી એક વખત ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધશે અને એક વરસાદી સિસ્ટમ પણ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના ઉપર અત્યારે સતત હવામાન વિભાગ છે તે મોનિટરિંગ કરી રહ્યું છે। પણ અત્યારે બી વરસાદ 5 દિવસમાં જે પણ રહેશે તે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં જ વરસાદ રહેશે। જી વિભુ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર।